हेलो फ्रेंड्स वेलकम कीन इन पी आर प्ले मैं हूं प्रतीक और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार को रिवर्स करते समय कार के बैक साइड को कैसे जज किया जाए इसको लेकर काफी रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए मैंने फैसला किया कि चल से जल्द इस पर एक वीडियो बनाई जाए तो चलिए जानते हैं इसे कार को रिवर्स करना एक काफी चुनौती भरा काम होता है नए ड्राइवर्स के लिए और पुराने ड्राइवर्स को भी दिक्कत आती है इसमें वो तब आती है जब उनको कार दूसरी कार में शिफ्ट करना होता है कोई दूसरी कार चलानी होती है तो उनको भी इस चीज़ में दिक्कत आती है क्योंकि हर कार का जो साइज़ है वो अलग होता है जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अभी बता दूं कि कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली में क्या था कि आप अभी मेरी जो कार है उसकी साइज़ आप जानते हैं उसका जो बैक साइड है उसका साइज़ आप जानते हैं पर वहाँ जा कर मैंने सिर्फ डिज़ायर ली थी ट्रैवल करने के लिए और उसमें पीछे की डिक्की थी वो थोड़ी एक्स्ट्रा बड़ी है आपको पता है कि वहाँ पर डिक्की है तो वो साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा कार का आ, तो वहाँ पे जाके मैंने पहले सबसे पहले तो एक चीज़ किया कि नोटिस किया उस चीज़ को देखा थोड़ी देर कि हाँ ये इतना साइज़ इसका बड़ा है आ, तो मेरे को उसी हिसाब से अगर रिवर्स करनी होगी तो उसी हिसाब से जज करना होगा इसके बैक साइड को और तभी मुझे हेल्प मिल पाएगी तो हर कार में एक अलग टेक्निक होती है हर कार एक अलग साइज़ की होती है इसीलिए उनको रिवर्स करने का भी तरीका अलग होता है उसको जज करने का बैक साइड से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिवर्स करते समय सबसे पहले तो आपके मिरर्स जो है वो करेक्ट होने चाहिए ठीक है यानी कि बिल्कुल एकदम सही तरीके से सेट होने चाहिए जिसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखी है अगर अभी आप तक आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आई बटन पे क्लिक करिए और जाके उस वीडियो को देखिए कि कैसे अपने मिरर्स को आपको सेट करना होता है और इसमें सबसे मेन काम होता है आपके सेंटर मिरर का सबसे पहले आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है रिवर्स करते समय काफ़ काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि म्यूज़िक सिस्टम अपना ऑन ही रखते हैं तो सबसे पहले तो आपको म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सब बंद कर देना चाहिए रिवर्स करते टाइम अगर आप किसी नई जगह पर रिवर्स कर रहे हैं ठीक है क्योंकि आपको पता चलेगा कि पीछे अगर आपको दिख नहीं रही है कोई चीज़ दिख नहीं रही है ऐसी कोई चीज़ है और जैसे बाइक वगैरह है ठीक है तो वो आपको साउंड वगैरह अगर हल्की सी भी आए तो आपको पता चल जाएगा और दूसरी बात आपको जो ध्यान में देनी है वो है पीछे की तरफ आपको पूरा व्यू मिलना चाहिए उसके वो कवर बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप नए ड्राइवर हैं तो बिल्कुल भी कोई सॉफ्ट टॉय वगैरह जो बड़े साइज़ में उसको ना रखें ठीक है ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो क्योंकि सबसे पहले तो आपको रिवर्स करते समय अपने सेंटर रियर व्यू मिरर में ही देखना होता है कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट या पीछे कोई वहीकल और तो नहीं खड़ा है तो उसके बाद आपको रिवर्स करने के लिए अपने साइड व्यू मिरर में देखना होता है जैसे कि आप एक सड़क पार करते हैं तो आपको लेफ्ट और राइट फिर लेफ़्ट करके फिर सड़क पार करनी होती है वैसे ही आप समझ लीजिए आपको पहले सेंटर व्यू मिरर में देखना है फिर लेफ़्ट मिरर में फिर राइट right मिरर में और उसके बाद ही आपको रिवर्स गेयर लगा के रिवर्स करना है अपनी कार को फिर इसमें सेकेंड चीज़ मैं कई लोगों को बोलते हुए सुनता हूँ जैसे कि मैंने जब ड्राइविंग सीखी सीखी थी ठीक है स्टार्टिंग में तो उस टाइम पे मैं आ, मैंने एक वीडियो मैंने खुद यूट्यूब पे देखा था तो वहाँ पे एक वीडियो में बोला गया था कि रिवर्स करते टाइम आप ऐसे झुक के नहीं देखें ठीक है इस तरह से आप झुक के नहीं देखें पीछे को क्योंकि दूसरा जो आदमी आपको बाहर से देख रहा है उसको लगेगा कि आप अनट्रेन ड्राइवर हैं आपको ड्राइविंग नहीं आती पर मेरे हिसाब से ये सरासर गलत है ठीक है ऐसा बोलना गलत है ऐसा समझना बिल्कुल गलत है और मैंने किसी भी अनट्रेन ड्राइवर को ऐसे झुक के देखते हुए नहीं देखा है ठीक है मैंने सिर्फ ट्रेन ड्राइवर को देखा है और मैंने दिल्ली भी गया था मैं वहाँ नो, नो, नोटिस किया मैंने एयरपोर्ट वगैरह पे भी जो ड्राइवर्स थे वो अपने डोर को ओपन करके और फिर पीछे की तरफ देख रहे थे ठीक है या तो कोई एक्सपर्ट ड्राइवर है उसी को मैं देखता हूँ ऐसा करते हुए ठीक है क्योंकि उसको क्या होता है कि नई नई जगह पर ड्राइव करना होता है तो पीछे का जो व्यू है वो पूरा कवर नहीं हो पाता है आपके मिररज में पूरा कवर नहीं होता है कुछ ब्लाइंड स्पॉट रह जाते हैं जो दिखते नहीं है मिरर में ठीक है उसके लिए आपको ज़रूरी होता है अगर आप एक नए ड्राइवर हैं तो बिल्कुल आप इसको आदत में शामिल करें मैं खुद बोल रहा हूं कि मुझे ये आदत नहीं है क्योंकि मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे भी दिमाग में ये आया था तो मैं कभी ऐसे करके देखता नहीं था पर आपको जितना बन पड़े उतना चीज़ आपको करना चाहिए अपनी कार को सेफली तरीके से रिवर्स करने के लिए मेरे हिसाब से तो क्योंकि आप एक अगर एक नए ड्राइवर हैं तो आप अच्छी तरीके से जो अपनी कार की लेंथ है उसको जज स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे कि मेरे बैक साइड का जो लेंथ है वो कितना है तो इसलिए आपको ऐसे झुक के देखने में कोई परेशानी नहीं है ठीक है और दूसरे क्या सोचते हैं वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है या आप खुद सोचिए कि आपके लिए सेफली अपनी कार को रिवर्स करना ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है आप एक बार आपको आ जाए रिवर्स करना और आपको आदत में शामिल हो जाए तो उसके बाद आप ये आदत छोड़ सकते हैं उसके बाद आप सिर्फ मिरर में देख के अपनी कार को रिवर्स कर सकते हैं पर ऐसे करने में कोई बुराई नहीं है जो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा करने में बुराई है मैं खुद देखा हूँ कि अब उनकी नई कार के जो रियर टायर हैं वो रिवर्स करते हुए समय फट गए हैं ठीक है तो आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो हम बात कर लेते हैं इसके बाद थर्ड चीज की कि आपकी कार अगर जैसे पार्क है ठीक है पार्क कर पार्क करने के बाद आप अपनी कार को आ, पार्किंग से निकाल रहे हैं उस टाइम आपको रिवर्स करना है तो उस टाइम तो हमेशा आपको पहले ध्यान देना चाहिए आसपास का एरिया पहले ही देख लेना चाहिए कि आ, पीछे कोई बाइक है खड़ी है कि नहीं ये क्योंकि उस टाइम पे भी ये होता है कि बाइक कोई खड़ी है अगर पीछे ठीक है क्योंकि उस पर कोई इंसान तो बैठा नहीं है तो हमको बिल्कुल अगर एकदम सेंटर में खड़ी है तो हमको नहीं दिखाई देगी रिवर्स करते समय अगर उसका रेंज कम है हमारे कार के जस्ट पीछे खड़ी है तो तो इसलिए हमें कार में बैठने से पहले ही आ, उस एरिया को चेक कर लेना चाहिए कहीं कुछ नीचे गड्ढा तो नहीं है कुछ नहीं है ये सब देखने के बाद हमें अपनी कार में बैठना चाहिए और नोटिस कर लेना चाहिए अपनी कार को आप अगर नए ड्राइवर हैं तो अच्छे से अपनी कार को पहले नोटिस कर लें किस तरह से पार्क है और हमें किस तरह से रिवर्स करना होगा पहले ही और उसके बाद कार में बैठें इसके बाद अगर आप ट्रैफिक में हैं चलते हुए ट्रैफिक में उस टाइम पे आपको रिवर्स करना है तो उस टाइम पे तो अगर पीछे कोई बाइक है तो उस पर एक इंसान भी बैठा होगा ठीक है तो आपको ज़रूर वो आपके सेंटर व्यू मिरर में दिख जाएगा ठीक है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी पर आपको हमेशा कार में बैठने से पहले अगर आप एक नए ड्राइवर हैं तो जैसे मैं आपको अपने एक टेक्निक बताता हूँ स्टार्टिंग में मैंने जो किया था समझ के कि मैं सोचता था कि मैं कार में नहीं बैठ रहा हूँ ठीक है मैं एक सूट पहन रहा हूँ रोबोटिक सूट पहन रहा हूँ जो बड़ा हो गया है और एक कार में चेंज हो गया है ठीक है तो आपको ज़रूर ये थोड़ा सा बचकाना लगेगा पर मेरे हिसाब से मेरे लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक थी है। इसको अपनी कार को अपनी ही बॉडी समझिए ठीक है थीके? और सोचिए कि मैं अपनी बॉडी को मूव करा रहा हूँ ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अब अब जो फोर्थ पॉइंट है वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरी कार पार्क है इसके पीछे ये स्कूटी खड़ी है तो ये मैंने पहले से इसको नोटिस कर लिया है आसपास के एरिया को भी नोटिस कर लिया है कि आसपास क्या है और पीछे क्या मेरी स्कूटी खड़ी है उसको कितनी दूरी पर खड़ी है इस चीज़ को नोटिस करने के बाद अब मैं एंटर कर रहा हूँ अपनी कार में कार में बैठता हूँ तो यहाँ से नज़ारा मुझे कुछ अलग ही दिखता है यहाँ से मुझे अगर मैं अपने रियर व्यू मिरर पर नज़र डालूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पीछे कुछ है ही नहीं पीछे कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी है ऐसा लग रहा है मुझे और अगर आप सेंटर व्यू मिरर को में देखेंगे तो यहाँ पे आपको उस स्कूटी का जो मिरर है वो दिखाई दे रहा है तो इसलिए हम हमें हर जगह नोटिस करना चाहिए हर मिरर में सबसे पहले आपको सेंटर मिरर में ही देखना चाहिए उसके बाद साइड व्यू मिरर में देखना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि हर जो गाड़ी खड़ी हो स्कूटी खड़ी हो या बाइक खड़ी हो तो उसमें ऐसा मिरर हो तो आपको इसलिए पहले ही नोटिस कर लेना चाहिए उस एरिया को या तो हो सकता है पीछे कोई गड्ढा हो तो वो आपको पता चल जाएगा पहले ही इसके बाद हम अब रिवर्स करते हैं और अब वो स्कूटी मेरे साइड मिरर में दिखने लगी है तो मैं साइड मिरर में ध्यान दूंगा और काफ़ी कम स्पेस है, इसलिए मुझे काफ़ी आराम से इस कार को निकालना है और ये देखिए मैं किस तरह से एकदम आ, कम स्पेस पे निकाल रहा हूँ ताकि अगर मेरे राइट साइड भी कोई वाइकिल खड़ी हो तो भी मुझे कोई परेशानी ना हो और मैं दोनों साइड नोटिस करने के बाद अपनी आ, कार को सेफली यहाँ से निकाल पाया हूँ अब जो चुनौती है वो थोड़ी और बढ़ने वाली है एक स्टेप हम और आगे जाने वाले हैं अब हम अपनी कार को रिवर्स जब करेंगे तो हमें ध्यान देना है साइड में नाली वगैरह है तो हमें अपने साइड व्यू मिरर की मदद लेनी है उसमें अपनी कार को देखते हुए रिवर्स करना है और इसके बाद चुनौती बनेगी वो गाड़ी जो आगे खड़ी है उस एरिया से मुझे अपनी कार को रिवर्स करना है वो भी टर्न करते हुए जो कि काफ़ी मुश्किल रहेगा तो अब मैं फिफ्थ पॉइंट रखने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके कार की स्टीयरिंग पे आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए ठीक है रिवर्स करते समय भी आपको कंट्रोल अपने कार के स्टीयरिंग पे आना चाहिए इसका आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है वो किस लिए क्योंकि काफ़ी जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि काफ़ी नए ड्राइवर्स के दिमाग में ये रहता है कि अगर आप सामने की तरफ अपनी कार को मूव कर रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अपनी राइट स्टेयरिंग को राइट right घुमाएंगे तो वो राइट right जाएगी कार और लेफ्ट घुमाएंगे तो लेफ्ट जाएगी पर रिवर्स करते टाइम उनके एक मिस गाइड हो जाते हैं वो लोग और उनके दिमाग में आ जाता है सभी लोगों के कि अगर हम लेफ़्ट घुमाते हैं स्टेयरिंग को तो वो राइट right जाएगी और राइट right घुमाते हैं तो वो लेफ़्ट जाएगी नए ड्राइवर्स के साथ यही दिक्कत होती है उनको ये दिमाग में बैठ जाता है पर ऐसा नहीं होता है आप चाहे आगे जा रहे हों चाहे पीछे जा रहे हो कोई फर्क नहीं है आपको अपने कार के स्टेयरिंग को उसी साइड टर्न करना है जिस साइड आप जाना चाहते हैं तो अभी हम चलते हैं और उस एरिया से अपनी कार को निकालते हैं। तो अभी यहाँ से एक स्कूटी आ गई है पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसको वेट करना पड़े तो जो मैं व्यू देख रहा हूँ वही आप भी देख रहे हैं और बहुत कम स्पेस है यहाँ से तो मुझे दोनों जगह ध्यान देना है और अपनी कार को रिवर्स करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ दूसरी जगह भी उतना स्पेस रहे ताकि वो स्कूटी वहाँ से निकल पाए तो अभी मैंने अपनी कार को ला के पार्क कर दिया है तो मैं अपने अपने रिवर्स पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करना ना भूलें हजार लाइट का तो कार हमारी पार्क हो चुकी है और उस दूसरी जगह भी इतनी जगह है कि वहां से गाड़ी निकल सके तो आज के सेशन को यहीं विराम लगाते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उनकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक्स यू परफेक्ट आज की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें शेयर करना ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सेफ ड्राइव करें अपने लिए अपनों के लिए गुड बाय